नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है सत्य धर्म ज्ञान YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को एक ऐसा उपाय, एक ऐसा टोटका बताने जा रहे हैं जो किसी के पवित्र प्रेम को खींच करके लाता है। यह एक ऐसा उपाय है कि आपकी हर एक मनोकामना को भी पूरा करता है, चाहे वह प्यार हो, पैसा हो या कोई भी मनोकामना हो, आपकी हर एक मनोकामना पूरी हो जाएगी। दोस्तों, इस उपाय को आपको शुक्रवार के दिन करना है। यह बहुत ही सरल और आसान उपाय होने वाला है। इस उपाय में आपको कोई भी कठिनाई नहीं उठानी है, केवल 17 चीनी के दाने लेना है और इस उपाय को कर लेना है और एक स्थान पर गिरा देना है। बहुत ही सरल सा उपाय है, बिना किसी परेशानी के आप इसे कर सकते हैं। लेकिन उपाय को जानने से पहले उपाय को पूरे विश्वास के साथ करें। जितनी विश्वास और धैर्य के साथ उपाय को करते हैं, उतना ही वह आपके लिए असर करता है। अगर आप इसे ठीक प्रकार से कर लेते हैं तो यकीन मानिए, पहले ही दिन से यह अपना प्रभाव, अपना असर सामने वाले पर शुरू कर देता है। तो उपाय जानने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए और ध्यान से सुनते रहिए। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, ताकि आपको रोजाना ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियां मिलती रहे। और अगर आप हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा। आप 200 रुपए की फीस दे करके डायरेक्ट फोन कॉल के थ्रू हमसे कुंडली विश्लेषण और अपने प्रेम से संबंधित परामर्श ले सकते हैं। हम बिल्कुल आपकी समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। आइए अब जानते हैं उपाय कैसे करना है। दोस्तों, आपको उपाय करने से पहले स्नान कर लेना है। इसमें आपको स्नान करना जरूरी है और इस उपाय को आप दिन में किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन आपको ऐसा समय चुनना है कि आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, पूरे एकांत में उपाय करना है। तो आपको क्या करना है, 17 चीनी के दाने लेने हैं और उसे अपने सीधे हाथ पर हथेली पर रखना है। और उसके बाद आपको इन सभी दानों को जो आपकी हथेली पर है, इसे मुट्ठी के अंदर बंद कर लेना है। और आपको ज्यादा जोर से भी मुट्ठी बंद नहीं करना है, अन्यथा आपके हाथ में पसीने आ सकते हैं। आराम से हल्का सा आपको बंद करना है। इसके बाद आपका जो भी कार्य है, जो भी इच्छा है, चाहे प्रेम को प्राप्त करना है या पति पत्नी के बीच कोई परेशानी आ गई है, आपको कोई धोखा दे रहा है और आप उसे वापस पाना चाहते हैं, या फिर आपकी कोई भी इच्छा हो, चाहे नौकरी की हो, व्यवसाय की हो या कोई भी मनोकामना हो, उसके बारे में आपको सोचना है, स्मरण करना है, यानी आपको अपनी इच्छा जाहिर करनी है। इसके बाद जब आप उसे अच्छी तरीके से सोच लेंगे, तब आपको एक मंत्र का उच्चारण करना है। मंत्र बहुत ही सरल है, सिर्फ 3 ही बार आपको मंत्र बोलना है। लेकिन मंत्र बोलने से पहले आपको मंत्र को अच्छे से याद कर लेना है, ओम त्रिशाय ममहंग। दोस्तों, डिस्प्ले पर भी आपको मंत्र दिखाया जा रहा है, आप अच्छे से देखकर समझ लीजिए। केवल 3 ही बार आपको मंत्र बोलना है। मंत्र बोलते समय या उस व्यक्ति को याद करते समय आपको अपनी आंखें बंद रखनी है, आंखें खोलनी नहीं है। इसके बाद आपको अपने घर से बाहर निकलना है और जब आप घर से अपनी दहलीज पार करेंगे, चौखट पार करेंगे, उस समय आपको अपना सीधा पैर, जो आपका दायां पैर है, उसे पहले बाहर रखना है, फिर लेफ्ट पैर को बाहर रखना है और सीधे निकल जाना है। और जहां आपका दिल करे, घर से थोड़ा दूर जाकर आपको क्या करना है, वापस पलटना है। जिस तरफ आपका मुख है वहां से वापस पलटना है। जरूरी नहीं है आपका घर आपको दिख रहा हो, बस आपको पलट जाना है और इस चीनी को नीचे गिरा देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, वापस घर की तरफ आना है, लेकिन ध्यान रहे कि आपको चीनी पर पैर नहीं रखना है। और वापस आकर के आपको अपना हाथ पैर अच्छे से धो लेना है और अपने कार्य पर लग जाना है। दोस्तों, इतना उपाय करने के बाद आप खुद देखेंगे, जो कोई भी आपका कार्य था या जो कुछ भी आपकी मनोकामना है, चाहे वह प्यार की मनोकामना हो या कोई भी मनोकामना हो, वह निश्चित रूप से पूरी हो जाएगी। बस आपको सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ उपाय करना है, आपको आपका पवित्र प्रेम अवश्य ही प्राप्त होगा। तो मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं
किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।